शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीसीएन के सभी दर्शकों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। कोरोना की इस पार्श्वभूमि पर सारा देश जहां पर पूरी महामारी से जूझ रहा है, वहां पर इस महामारी के साथ में कई ऐसे संकट है जिसका सामना लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अब जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें एक अहम समस्या है बेरोजगारी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो चीजों की, इस पर बात हो सकती है। एक तो वो जो मजदूर थे वो अपने गांव की तरफ चले गए हैं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इस पर बात करें, बेरोजगारी की समस्या पर बात करें, मेरा कर्तव्य है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय हमारे दर्शकों से करा दूं। हमारे साथ में है राहुल हरडे जी। राहुल हरडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी के, राहुल सुरेश राव हरडे जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो मार्गदर्शक हैं, आप युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, जॉब प्लेसमेंट आपके पास में, आपने कई बेरोजगार युवाओं को और आपने उनको प्लेसमेंट भी उनका किया हुआ है। इसके साथ में आपने उनको किस जगह पर प्लेसमेंट करना है और कैसे उनका मार्गदर्शन करके उनको मोटिवेट करना है, इसमें भी आपका काफी अनुभव रहा है। आपका हम स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। इसके साथ में हमारे साथ में है इमरान शेख जो कि डायरेक्टर और रिपोर्टर है एनबीसीएन न्यूज के। इमरान, आपका भी स्वागत है। जी। तो चलिए हम सीधे राहुल सर से, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, ये बेरोजगारी की समस्या पर हम बात कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर सरकार ने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि सभी कॉर्पोरेट सेक्टर पे 10% की उपस्थिति से आपको कार्यक्रम अपने चलाना है। इसमें यह है कि एक तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको आपने घर पे बिठा दिया है 10%, और इनकी सैलरी भी नहीं मिली है, कैसे करेंगे सर, कैसे इनका जीवन यापन चलेगा। सबसे प्रथम मैं सभी नागपुर वासियों को, मेरे मित्रों को, भाई बहनों को, माताजी, पिताजी, सभी किस्म के लोगों को और सभी मान्यवरों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और सबसे पहले बीसीएन का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ बोलने का अवसर प्रदान किया। जी। आपने जो सवाल पूछा है रत्नाकर साहब, उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है और सभी अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब है, इन्होंने एक कहा है कि जान है तो जहान है। जी बिल्कुल सही। तो अगर बचेंगे अपन, अभी कोरोना इतनी भयंकर महामारी है और अगर उससे अपन बचते हैं तो और आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये सवाल बहुत सही पूछा मुझे कि 10% कर्मचारी खासगी कार्यालय में है, प्राइवेट कंपनीज में है, तो उसमें कैसे कर पाएगा उनका, या लोग जो घर में बैठे हैं वो कैसे कर पाएंगे, या जिनको नौकरियां नहीं वो कैसे कर पाएंगे। तो अभी मैं युवाओं को और जी लोग जॉब सर्च कर उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि रात होती है तो होता है, ये समय भी निकल जाएगा। थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार लाते हैं और ये सिचुएशन को अगर सही तरीके से हैंडल करते हैं और खुद की और खुद परिवार की अगर अंदर से सच्चे दिल से अगर आप सुरक्षितता महसूस करते हैं और उनको देखभाल करते हैं तो ये समय भी निकल जाएगा। बात रहे अभी ये जो प्रॉब्लम हुआ है जिसको नौकरियां नहीं मिल रही है या कंपनी जिसको कुछ स्टाफ को कर्टेल भी कर रही है, कुछ कंपनी एक्सपेंसेस नहीं सहन हो रहे, तो उससे मेरे हिसाब से बेहतरीन इलाज ये है कि आप जो युवा है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी से बाहर है, उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए। हाँ, ऐसा देखा जाता है कि मेरे इतने पुराने साल में पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस है कि नौकरियां काफी है पर जो स्किल नौकरी पाने के लिए जो युवा में है वो कम देखे जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी ये है वो है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है और जो नौकरी पाने की जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता में अपने महाराष्ट्र के, विदर्भ के, स्पेशली नागपुर के भी लोग काफी पीछे है। तो ये स्किल डेवलपमेंट में आपने थोड़ा प्रोग्रेस करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए और कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज को फेस करना चाहिए। एक ना एक दिन जरूर कामयाबी अपने को मिलना ही मिलना है। जी सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा, अब इस सिचुएशन में जिस तरह से कोरोना भी बढ़ रहा है ना, बढ़ भी रहा है, चल भी रहा है और जीवन अपने खोल दिए गए हैं, 10% स्टॉप में काम चलेगा, इसके पहले जब कोरोना था तब भी बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ रहा था, तो इस समय अब किसके लिए ज्यादा, कौन सा जो फील्ड रहेगा जो ज्यादा चलेगा? डिपेंड करता है सर, एक्चुअली ये आपका सवाल काफी अच्छा सवाल है और युवा को काफी प्रेरणादायी है। इसमें वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ेगा, आईटी इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा स्कोप है,
सर्विस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ये पिछले 1-2 साल काफी तकलीफ जा सकती है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो बेसिक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी स्कोप है। तो मेरे हिसाब से युवा को यही सजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा आईटी तरफ ध्यान दे, नए नए एडवांस कोर्सेस को सीखे, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए नए स्किल डेवलप करे और आगे बढ़े। इन चीजों में डिमांड है और स्कोप है। राहुल जी, आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अभी कई बार क्या है कि युवाओं को इनको ये पता नहीं होता कि मेरे पास में अगर मुझे लगता है कि मुझमें एक पर्टिकुलर स्किल है या मैं इस डायरेक्शन में अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन उसका गाइडेंस नहीं रहता सर इनके पास। और ऐसे वो क्या आपने भी कहीं देखा होगा कि एक एक व्यक्ति का एजुकेशन किसी और लाइन में है, उसका स्किल कुछ और है और नौकरी वो किसी और जगह चला है। रत्नाकर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी पिछले 11 साल से 15,000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दी है और इसका सबका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। और अगर आप गूगल पे देखेंगे कि रिव्यूज ऑन इंस्पायर प्रोफाइल, आपको हजारों रिव्यूज मिलेंगे जिनको अपन ने जॉब दिया है, जिनको अपन ने नौकरियां दी है। तो इन सभी किस्म के और सभी कैटेगरीज के, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, वकील से लेके, सीए तक, सभी किस्म के जो लोगों से मैं मिलता हूँ, तो मुझे एक चीज देखी जाती है कि जो बेसिक इंटरव्यू के वक्त जो टेक्निक होती है, जो स्किल होती है, वो उनको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि उनका पहले तो सीवी अच्छा होना चाहिए, उनका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका इंटायर पर्सनालिटी थोड़ा डेवलप होना चाहिए। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछते हैं, उन्होंने कैसे आंसर देना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका ग्रूमिंग सेंस, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका इंटायर कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। बाद में टेक्निकल नॉलेज, उनका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल इंटरव्यू, उनका पर्सनल नॉलेज, उनका पर्सनल कॉम्पिटेंसी, उनका पर्सनल इंटरव्यू, उनका पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के युवा में पेशेंस की कमी है, एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी आता है उनको लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंटरव्यू के सामने, नया दुनिया के सामने, और प्रेजेंटेशंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आपने जो सवाल पूछा कि लोग एजुकेशन अलग करते हैं, जॉब किसी और कुछ चलता है, उनके करियर ऑब्जेक्टिव अलग रहता है, तो इसमें उन्होंने पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उनके कौन सा अपॉर्चुनिटी में मेरे को करियर मिलेगा, मेरी पर्सनल की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरे वीकनेसेस क्या है और वीकनेसेस को मैं कैसे ओवरकम करूंगा, सामने कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है। तो सही कंसल्टेंट को आप अगर मुझे मिलते हैं या मैं आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देना चाहता हूँ कि इतने सारे रोजगार देने के बाद भी मैंने किसी से 1 मंथ सैलरी, 2 मंथ सैलरी या 3 मंथ सैलरी ऐसा कुछ भी नहीं लिया। हम निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, उनको सही ट्रैक पे लाना और ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करना, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करके ज्यादा से ज्यादा अवसर ये युवाओं को या जो भी जॉब ढूंढ रहे उन लोगों को प्रदान करना। इमरान जी, अच्छा मैं भी पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी ने बीच में लॉकडाउन 5 के बाद एक भाषण किया था कि अपने को लोकल बिजनेस पे ज्यादा डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, जो चाहे छोटे छोटे बिजनेस हो। तो क्या लगता है जो आजकल का युवा, आपने बोला है कि आईटी की तरफ ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ ही जो लोकल बिजनेस, जो जैसे आप बोलो कि कृषि से रिलेटेड हो गया, जैसे चाइना से आने वाली कुछ चीजें जो थी वो यहाँ बनना जरूरी है, लोकल वोकल करना और एक्सपोर्टिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो कि एक्सपोर्ट सेक्टर अपना स्ट्रांग हो सकता है। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका इमरान सर। मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। तो आत्मनिर्भर सिर्फ बोलना नहीं है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, वो आत्मनिर्भर बनने की पूर्ति करना जरूरी है, एक्शन करना जरूरी है। वो एक्शन करने के लिए जैसा आपने कहा कि युवाओं में स्वयं रोजगार करने की जो अपने महाराष्ट्रीयन लोग है, मराठी लोग में जो उसमें क्या बोल सकते अपने जो इच्छा है, आकांक्षा है या उनको सपना है, वो स्वयं रोजगार करता है कंपेयर टू अदर पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं रोजगार में काफी कुछ बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जाते हैं तो काफी सारे उद्योग है, उसको स्टडी करके नए नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टार्टअप को भी सरकार इतने
सारी लोन दे रही है, अभी 20 लाख करोड़ का जिन्होंने जो सैंक्शन, उसमें काफी सारी नाटक उद्योग के लिए काफी योजनाएं है, वो योजनाएं का पढ़ाई करके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके, सही लोगों का मार्गदर्शन करके या सही व्यक्ति का कंसल्टेशन लेके अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि अपन एक खुद बड़ा एंटरप्रेनर बन सकते हैं। जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनको बिजनेस करने की थोड़ी इच्छा है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनको एक सही दिशा देने का प्रयत्न करूंगा। जरूरी नहीं कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। अगर ऐसा रहता तो धीरूभाई अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता था। अगर ऐसा रहता था तो पकौड़े तलने वाला अपना हल्दीराम वाला इतना बिजनेसमैन नहीं होता। बात है जिगर की, बात है जज्बे की, बात है अपने एटीट्यूड की। आपके अंदर अगर दिल में अगर आग है, अगर आपके दिल में अंदर फायर है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। आपने सर जो बात कही वो जिगर की बात कही, आपने कही कि एक वो जोश जज्बा होना चाहिए जी। 70 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया है सर जी। 70 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन में आदमी जो भी हो, जो घर से बाहर काम करने जाता था, उसकी मानसिकता काफी विरुद्ध हो गई है कहीं ना कहीं। हाँ, तो उसको भी ऊपर लाने के लिए कुछ तो ऐसा एक बूस्ट मिलना चाहिए। तो वही मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ रत्नाकर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। ये 70-75 दिन घर में रहने के बाद और बहुत सारे लिमिटेशन होने के बाद, घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ नहीं निकलना, उसकी वजह से काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, निगेटिविटी उनके मन में आ गई है। लेकिन ये सब चीजें दूर करके अपन कुछ तो पॉजिटिव सोच सकते हैं। अगर रात होती है, घनी रात होती है, घना अंधेरा होता है, तो दिन भी तो निकलता है ना। और दिन का अपन ने प्रतीक्षा करना चाहिए, एक नई ऊर्जा से प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे मोटिवेटर से मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा मोटिवेटर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा इंस्पायर कर सकता हूँ लोगों को, जो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके, जो लोग बहुत डाउनग्रेडेड हो चुके। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं उनकी पूरी सहायता करूंगा। जो लोग दुखी हो चुके हैं घर में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं उनको एक राह दिशा दिखाने की कोशिश करूंगा, उनका मार्गदर्शक रूप से मैं उनकी सेवा करूंगा। और ये सब बिना मूल्य करूंगा, बिना मूल्य मीन्स एक भी पैसा उनसे नहीं लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको एक करियर काउंसलिंग करना जरूरी है, उनके अंदर जोश भरने की जरूरत है, उनके अंदर कुछ मोटिवेशन लाने की जरूरत है। उनके सब दिमाग में जो इतने 70 दिन में घर में रहने के बाद जो निगेटिव थॉट्स आए हैं, जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, घर में बैठना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, घर के बाकी छोटे मोटे काम करना, बाहर ना निकलना, उनकी प्रोडक्टिविटी डेटेड कम हो गई है, तो उनके अंदर एक थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा भरने की जरूरत है। वो मैं कर सकता हूँ और आपके चैनल से लोगों की मदद कर सकता हूँ, ऐसा मुझे। सर, जिस तरह से आपके तरफ में ये नौजवान आते हैं जिनको एक जॉब की जरूरत है, जैसा आपने कहा कि आप सिर्फ जॉब ही नहीं, आप तो सेल्फ बिजनेस के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं जी। तो जिस तरह से ये लोग आपके संपर्क में, उसी तरह से एम्प्लॉयर्स भी आपके संपर्क में होंगे जी। आज की इस परिस्थिति में क्या उनसे आपकी कुछ बात पॉजिटिव मोड पे होती है? क्या वो बोलते हैं कि राहुल जी हमें भी एक अच्छा एक स्टाफ लगेगा, हमें भी एक आगे आने वाली परिस्थिति में अब हमको लोगों की जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका रत्नाकर साहब। एम्प्लॉयर तो हमेशा मेरे टच में रहते हैं, कंटिन्यू टच में रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ में भेजते रहता हूँ। जब हर एम्प्लॉयर से मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर, वो भी तो एक इंसान ही है ना, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी आ चुकी है, माहौल देख के, पैसे का प्रॉब्लम, डिस्पैच का प्रॉब्लम, मटेरियल का प्रॉब्लम, लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम, माल बिकने का प्रॉब्लम, दुनिया भर की जो मैचिंग है उसका भी एक बड़ा डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा मिसमैच और गैप हुआ है। तो वो प्रॉब्लम ओवर करने के लिए एक स्टार्टअप तो करना पड़ेगा, एक पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो उनको एक सही व्यक्तियों की जरूरत है, जो एक टीम लीडर रहे, एक मोटिवेटर रहे और एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। अभी ये निगेटिविटी में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि और निगेटिव करे और करे, यानी एक सड़ा पूरे टोकरी को सड़ा कर देता, खराब कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब स्ट्रैटेजी चीजें भूल के, अपने एक जिंदगी का एक बुरा सपना होके ऐसा भूल के अपन एक नई शुरुआत करे, एक नए जज्बा से शुरुआत करे। और एम्प्लॉयर की बात रही तो उनके अंदर, उनके पास पैसे का थोड़ा सा इशू हो सकता है, या लॉकडाउन की वजह से जिनके पास लोन है उनके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पर ये सब चीजें दूर करके एक नया स्टार्टअप करे, एक पॉजिटिव एनर्जी, नया दिन निकाले, तो मेरे हिसाब से ये सब, ये जो प्रॉब्लम है उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। वो अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई करके कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कोरोना कितने दिन और कैसा चलेगा, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये तो हम सबके अपने इंडिविजुअल डिसिप्लिन के ऊपर में सर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सभी को एक पॉजिटिव मोड में हमें ले जाना पड़ेगा, चाहे वो फिर एम्प्लॉयर की मनस्थिति हो, चाहे एम्प्लॉयज की मनस्थिति हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर, जैसे आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाना हो। क्या आप चलते चलते सर इन लोगों को बताना चाहिए, लेकिन इसके पहले मैं पूछूंगा इमरान, आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, जैसे जिस तरह से सर ने कहा कि अब इस समय जो जो भी सिचुएशन आ रही है, एक पॉजिटिव वेव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आने वाला युवा है, जैसे आत्मनिर्भर बनना बोले तो मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है, तो हर युवा को एक पॉजिटिव वे करना चाहिए। जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम कैसे जी सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यही लाइन लेके हमको शायद चलना है। जी इमरान, हाँ राहुल सर, जो तो मेरा सवाल ये था आपसे कि इस एम्प्लॉयर हो चाहे वो सेल्फ मोटिवेटर या आत्मनिर्भर बनना है, सभी को एम्प्लॉयर को भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का ही सहारा लेना पड़ेगा सर। जी तरह से लड़कों को भी जो जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं या कुछ व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि कोरोना के इस निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अगर जाना है, अपने आप को एक ऐसे आर्थिक मजबूती की तरफ भी जाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आत्मशक्ति को पहचाने, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। आप एक सही मित्र को चुन के, मुझे, मैं आपका सही मित्र हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छे अवसर प्रदान कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके सच्चे दिल से पूरी सहायता कर सकता हूँ। तो ये मार्गदर्शन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे युवाओं को और पूरे लोगों को कि मेरे पास आइए, आपकी बात शेयर कीजिएगा, मैं आपसे आपका हर प्रॉब्लम का एनालिसिस करके आपको आपके हर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल की स्ट्रेंथ क्या है, अपने पॉजिटिव पॉइंट कौन से, अपने वीकनेसेस कौन से, अपने पास आने वाले समय में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, अपने को क्या स्किल डेवलप करना है, इसका स्टडी करके और उस पर वर्कआउट करके फुल एंथुजियाज्म के साथ, यानी उत्साह के साथ और फुल एनर्जी के साथ और अच्छे लोगों के संगत के साथ अगर अपन ने मार्गक्रम किया, तो मेरे हिसाब से हर सपना पॉसिबल है और हर अपने देश का, अपने महाराष्ट्र का, अपने नागपुर का युवक युवा आत्मनिर्भर बन सकता है और जिंदगी में कुछ तो भी कर सकता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, मुझे ऐसा मुझे लगता है। जी मैं दर्शकों से यही बताना चाहूंगा कि जो बात राहुल सर के साथ में, इमरान सर के साथ में बात करने पर पता चली कि हम जो भी ये कोरोना का संकट हमारे ऊपर था, जो पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, उसे हम एक बीमारी न समझते, उसे हम अपने लाइफ में एक पॉज समझे, ये इससे हम अपना आत्म परीक्षण करें, इस आत्म परीक्षण से हमें आत्मनिर्भर बनने की एक प्रेरणा मिलेगी। वो इस तरह से कि हम जाने कि मेरी स्किल्स क्या है, मेरे अंतर्गत मेरी शक्ति क्या है और मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन पे अगर हम काम करते हैं, राहुल हरडे जैसे मार्गदर्शक हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनका भी सहारा ले सकते हैं अच्छे भविष्य की कामना करते हुए। और इस महामारी अभी भी हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमें एक डिसिप्लिन वे में लाइफ जीना है और ऐसे ही मार्गदर्शक के साथ में, ऐसी चर्चा के साथ में, ऐसे मार्गदर्शक के साथ में हम आगे भी आपके साथ में बात करते रहेंगे। राहुल जी मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, राहुल इमरान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों से अपील है आप बने रहे हमारे साथ में इन विषय।